यूनिवर्स बहुत बड़ा है और इसमें हर वक्त बदलाव होते रहते हैं, पर अरबों गैलेक्सीज और अनगिनत स्टार्स वाला यह विशाल कॉस्मोस इकलौता नहीं है। हम अपनी जिंदगी एक और यूनिवर्स से शेयर करते हैं और ये यूनिवर्स बहुत छोटा है, जिसमें वायरसेस हैं, बैक्टीरियाज हैं। इस अनजान और रहस्यमय दुनिया को माइक्रोकॉस्मोस कहा जाता है। माइक्रोकॉस्मोस बहुत ही जरूरी है, चाहे वो हमें दिखाई ना दे, पर वो हर जगह है। वो अपने आप में एक दूसरे यूनिवर्स या दूसरी दुनिया की तरह है। उसने एवोल्यूशन को आगे बढ़ाया। माइक्रोकॉस्मोस के बिना आज हम यहाँ नहीं होते और हमें जिंदा रखा। माइक्रोकॉस्मोस से ही हमें सांस लेने के लिए ऑक्सीजन मिलती है और वो हमारे भविष्य पर असर करेगा जब हम स्पेस में जाएंगे। अगर हम कभी ऐसी जगह जाते हैं जहां लाइफ है और नया माइक्रोकॉस्मोस है, तो बिना इम्यूनिटी के हमें खतरा हो सकता है। हम अपनी दुनिया माइक्रोकॉस्मोस के साथ शेयर करते हैं। क्या हम शांति में जीवन बिता पाएंगे या ये हमें तबाह कर देगा? एक अनजान और ना दिखने वाला हत्यारा अपने शिकार पर झपट पड़ता है। वो उसके सेल को हाईजैक कर सैकड़ों घुसपैठियों की फौज तैयार कर लेता है। यही होता है जब माइक्रोकॉस्मोस हमारे खिलाफ लड़ता है। 2020 में हमने ऐसे ही घुसपैठिए का सामना किया था, एक वायरस जिससे दुनिया भर में कोविड-19 नाम की महामारी फैल गई। इस पैंडेमिक ने मेरे दुनिया को देखने का नजरिया बदल दिया है, क्योंकि ये एक अलग यूनिवर्स से था जो मेरे आसपास है, मेरे अंदर भी है, जिसे मैं अब तक पूरी तरह से इग्नोर कर रहा था। शायद हम उस दूसरे यूनिवर्स को इसलिए नजरअंदाज कर देते हैं क्योंकि हम उसे देख नहीं पाते। हम एक बड़े इनविजिबल यूनिवर्स में रहते हैं। हम हर एक चीज को देख नहीं सकते, हम कुछ बड़ी चीजों को देख नहीं पाते, यहाँ तक कि छोटी चीजें भी देख नहीं पाते। सिर्फ इसलिए कि कोई चीज दिखने में बहुत छोटी है, इसका मतलब ये नहीं कि वो जरूरी नहीं। असल में बहुत छोटी चीजों का हम पर बहुत बड़ा असर पड़ता है। उनमें से कुछ असर फायदेमंद होते हैं, पर वो बीमारियों के घातक प्रभाव में कहीं खो से जाते हैं। इंसानियत जिससे लंबे समय से एक जंग लड़ती आ रही है, वो चीज है माइक्रोकॉस्मोस। हम लंबी जंग लड़ रहे हैं बैक्टीरिया और वायरस के खिलाफ जो जानलेवा हैं। 100 साल पहले हम स्पैनिश फ्लू से लड़े थे। उसने यूरोप को लगभग खत्म कर दिया था। उस वक्त उस बीमारी से लाखों लोगों की मौत हुई थी, तो ये पहला पैंडेमिक बिल्कुल नहीं है और सच कहूँ तो आखिरी पैंडेमिक भी नहीं है। एक तरह से हमें कोरोना वायरस ने माइक्रोस्कोपिक वर्ल्ड को बेहतर ढंग से समझने के लिए मजबूर कर दिया है। माइक्रोकॉस्मोस बहुत कॉम्प्लेक्स है। इसके कुछ हिस्से हमारी जान लेते हैं तो कुछ हमें जिंदा रखते हैं। माइक्रोकॉस्मोस हमारे सर्वाइवल के लिए बहुत जरूरी है, ताकि हमारी बॉडी नॉर्मल तरीके से फंक्शन कर सके और हम अपनी जिंदगी अच्छे से जी सके। हमारी जिंदगी माइक्रोकॉस्मोस पर डिपेंड करती है। हम जिस हवा में सांस लेते हैं, यहाँ तक कि हमारी अर्थ का सरफेस भी माइक्रोकॉस्मोस से बहुत हद तक प्रभावित हुआ है। ये अदृश्य माइक्रोकॉस्मोस दुनिया के हर हिस्से में मौजूद है। ये जो इनविजिबल कॉस्मोस है, ये हर जगह है। जियोथर्मल हॉट स्प्रिंग से लेकर ग्लेशियर्स तक, डीप सी हाइड्रोथर्मल वेंट सिस्टम्स में भी। हमने ये पाया है कि अर्थ के एटमॉस्फेयर और उसके ओशियंस के हर क्यूबिक फुट वॉल्यूम में लाखों वायरस होते हैं। यूनिवर्स में जितने स्टार्स हैं, उससे ज्यादा हमारी पृथ्वी पर वायरसेस हैं। ये कमाल की बात है। भले ही इनकी मोटाई हमारे बालों से 100 गुना कम है, पर अगर अर्थ के सभी वायरसेस को एक लाइन में जोड़ा जाए तो उसकी लंबाई 10 करोड़ लाइट ईयर्स के बराबर होगी, जो हमारी पड़ोसी गैलेक्सी एंड्रोमेडा से दूरी का 40 गुना है। इससे सवाल ये उठता है कि ये प्लैनेट आखिर है किसका? अगर हम नंबर्स को ध्यान में रखें तो कहना होगा कि ये वायरस का प्लैनेट है। माइक्रोकॉस्मोस हमारे शरीर में भी मौजूद है। हम पूरी तरह इंसान नहीं है। ये बात कि हमारी और आपकी बॉडी बस कुछ ह्यूमन सेल से बनी है, इस सोच में डाल देती है कि बाकी बॉडी किससे बनी है। ये हैरानी की बात है कि हम अपनी बॉडी 3,800 खरब वायरसेस के साथ शेयर करते हैं और 490 खरब बैक्टीरियल सेल्स के साथ भी।
एक एवरेज इंसान की बॉडी में ह्यूमन सेल्स के मुकाबले बैक्टीरियल सेल्स की गिनती कहीं ज्यादा होती है, तो मेरा सवाल ये है कि हम इंसान हैं भी या नहीं। साइंस की हिस्ट्री में ऐसे कुछ मोमेंट्स हैं जो मेरे लिए बहुत खास हैं, जैसे कि दो ब्लैक होल्स का टकराना जो बहुत कमाल का था। पर एक और मोमेंट था जब मैं समझी कि हमारा करीब आधा शरीर असल में इंसानी नहीं है। ऐसा किसने सोचा था? जिन्हें बैक्टीरिया से डर लगता है उनके लिए तो ये बहुत इंटरेस्टिंग होगा। बैक्टीरिया खाना डाइजेस्ट करने में हमारी मदद करते हैं, विटामिन्स प्रोड्यूस करते हैं और हमारा मूड भी बदलते हैं। पर वो हैं क्या? बैक्टीरिया सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनमें एक सेल वॉल और एक सेंट्रल न्यूक्लियस जिसमें जेनेटिक मटेरियल जैसे आरएनए या डीएनए होता है। वो मूव करते हुए रेप्लिकेट हो सकते हैं, पर वायरस उनसे बहुत अलग होते हैं। यूनिवर्स की ऐसी कई मिस्ट्रीज हैं जिन्होंने मुझे सोचने पर मजबूर और बहुत हैरान भी किया, और उन मिस्ट्रीज में से एक वायरसेस हैं। मिस्ट्री ये है कि वायरस दुनिया पर इतना असर कैसे डाल सकते हैं, क्योंकि वो तो बहुत छोटे और दिखने में सरल होते हैं। ज्यादातर वायरस जेनेटिक मटेरियल का बस एक टुकड़ा होते हैं और कभी कभी प्रोटीन के शेल में मौजूद होते हैं। अगर बैक्टीरिया की बात करें तो ये काफी हद तक नॉर्मल सेल्स की तरह बिहेव करते हैं, पर वायरसेस बहुत ही अजीब होते हैं। हम वायरस को अब तक समझ नहीं पाए, हमें नहीं पता कि वो जिंदा भी है या नहीं। ये सवाल कि क्या वायरस जिंदा है, इसका जवाब मिलना असल में बहुत ही मुश्किल है। सच में लाइफ को हम किससे डिफाइन कर सकते हैं? जिंदा होने का मतलब क्या होता है? लाइफ की नासा की डेफिनेशन है एक सेल्फ सस्टेनिंग केमिकल सिस्टम जो डार्विनियन एवोल्यूशन के काबिल है, यानी प्राणी जो खाते हैं, एनर्जी बनाते हैं और रिप्रोड्यूस करते हैं। वायरस ये सब खुद नहीं कर सकते, इस काम के लिए वो होस्ट सेल का सहारा लेते हैं। उनके पास जरूरी जेनेटिक मटेरियल तो होता है पर बाकी चीजें नहीं होती, इसलिए उन्हें होस्ट को इन्फेक्ट करना होता है। अगर नहीं करते तो वो बेकार हैं। होस्ट की बॉडी में वायरस सेल्स के सरफेस पर हमला करके उस पर कब्जा कर लेते हैं। एक वायरस की जिंदगी का मकसद किसी और सेल पर कब्जा करना होता है। उन्हें एक लिविंग सेल में अपना जेनेटिक मटेरियल इंजेक्ट करना होता है। जब सेल हाईजैक हो जाता है तब वायरस अपनी कॉपीज बनाने लगता है जो सेल को बर्स्ट करते हुए बाहर निकलता है। ये बिल्कुल किसी खतरनाक फिल्म की तरह है जिसमें एलियंस दिखाए जाते हैं। वो अंदर से बाहर की तरफ निकलते हैं, ये बिल्कुल किसी हॉरर मूवी की तरह है। वायरस के बढ़ने का ये तरीका खौफनाक है, पर इससे ये पता नहीं चलता कि ये जिंदा है या नहीं। अंतरिक्ष में जीवन ढूंढने की खोज पर इस जानकारी की कमी का असर पड़ सकता है। एक दिलचस्प बात है जिसके बारे में हमें सोचना चाहिए, वो ये कि अगर हमें किसी प्लैनेट के सरफेस पर कोई वायरस मिलता है, क्या हम उसे जिंदा मानेंगे? क्या हम कहेंगे कि हमें जीवन मिल गया? हमें नहीं पता, पर स्पेस वायरसेस बाकी एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लाइफ फॉर्म्स का एक सबूत हो सकते हैं। वायरसेस को रेप्लिकेट होने में होस्ट सेल की जरूरत होती है, तो अगर हमें एक वायरस मिलता है तो एक तरह से हमें लाइफ मिल गई। वायरसेस हमें एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लाइफ का पता बता सकते हैं। अब एक नई रिसर्च से ये पता चला है कि हो सकता है कि अर्थ पर लाइफ स्पेस से आई थी। ऐसा हो सकता है कि माइक्रोब्स किसी एस्ट्रॉइड के टुकड़े पर मौजूद थे जो सीधा अर्थ पर आ गिरा। शायद वो किसी और प्लैनेट पर थे, उस प्लैनेट की किसी चीज से टक्कर हुई, वो जिस रॉक पर थे वो स्पेस में चला गया और अर्थ पर मीटियोराइड की तरह गिर गया। लिफ्ट लेने वाले माइक्रोब्स की ये थ्योरी सुनने में अजीब लगती है, पर हमें अर्थ पर मार्स के कुछ टुकड़े मिले हैं, शायद उन्हीं टुकड़ों से यहाँ जीवन की शुरुआत हुई। ये थ्योरी पूरी तरह से अजीब नहीं है। हम जानते हैं कि रॉक्स मार्स से भी आ सकते हैं और अर्थ पर गिर सकते हैं। मार्स से कोई बड़ा एस्ट्रॉइड टकराया जिससे मार्स के टुकड़े स्पेस से यहाँ अर्थ पर आ गिरे। ये समझने के लिए हमें 4.5 अरब साल पहले के अर्ली यूनिवर्स को जानना होगा। कई नए प्लैनेट्स एक नए स्टार का चक्कर लगा रहे थे जो था हमारा सन। इस नवजीवित सोलर सिस्टम में उथल पुथल मची थी, प्लैनेट्स का आपस में टकराना लाजमी था। अर्ली सोलर सिस्टम एक पिनबॉल मशीन की तरह था। प्लैनेट्स टकरा रहे थे, जो टुकड़े बनते वो किसी और से टकराते और ये चलता जाता। उस वक्त मार्स खतरे में था, तब उस पर ओशियंस थे और शायद प्रिमिटिव लाइफ भी थी। एक बड़ा स्पेस रॉक उसके सरफेस से जा टकराया।
उस घटना को बोरियालिस इंपैक्ट कहा जाता है। उससे अरबों खरबों टन चट्टाने स्पेस में बिखर गईं। ये सोचना अजीब नहीं है कि हमारे सोलर सिस्टम में उन चट्टानों पर दूसरे प्लैनेट्स के माइक्रोब्स रहे होंगे। अगर कोई माइक्रोब उस एस्ट्रॉयड के सरफेस पे था जो मार्स से अलग होकर बना था, तो उसके लिए थोड़ा बुरा लगता है। वो शांति से मार्स पर जी रहा था और वो कर रहा होगा जो मार्शियन माइक्रोब्स करते हैं। तभी एक बहुत बड़ी टक्कर से वो सीधा स्पेस में चला गया। एक प्लैनेट से दूसरे प्लैनेट तक जाने के लिए एक सेल को कई मुश्किलों का सामना करना पड़ा होगा, जैसा आपने किसी सर्वाइवल गेम शो में देखा होगा। उसे अपने होम प्लैनेट से अचानक अलग कर दिया गया, फिर उसे चट्टान के एक छोटे से टुकड़े में स्पेस की उस जर्नी को सरवाइव करना था। उसका सामना स्पेस के वैक्यूम से लेकर कॉस्मिक रेज और यूवी रेडिएशन से हुआ होगा, यहाँ तक कि उसे जम जाने का खतरा भी था। सोलर सिस्टम या हमारी गैलेक्सी में एस्ट्रॉइड्स पर लाइफ के मूव होने की इस थ्योरी से कई सवाल सामने आते हैं। बोरियालिस इंपैक्ट जैसी घटनाओं से मार्स से इतनी चट्टानें अलग हो गईं कि माइक्रोब्स को स्पेस में सफर करने के लिए मौके मिल गए, पर क्या वो सफर में बच पाते? ये जानने के लिए इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में एस्ट्रोनॉट्स ने बाहर स्पेस में एक सिंपल बैक्टीरिया ग्रो किया। आउटर स्पेस में रहने के एक साल बाद भी सरप्राइजिंगली उनमें से कुछ माइक्रोब्स बच गए। ये कमाल की बात है। उन माइक्रोब्स की मौत नहीं हुई, भले ही वो लंबे समय तक सबसे बुरे एनवायरनमेंट में थे। इस मिशन से ये साबित हो गया कि लाइफ आउटर स्पेस में सरवाइव कर सकती है। लाइफ प्लैनेट्स के बीच ट्रांसफर भी हो सकती है। ऐसा भी हो सकता है लाइफ की शुरुआत मार्स पे हुई हो, जो हमारे पास का प्लैनेट है। हो सकता है लाइफ एक मीटियोराइट के जरिए यहाँ तक पहुंची हो। हमारा असली घर ये नहीं बल्कि मार्स हो। हो सकता है एक एस्ट्रॉइड पर माइक्रोब्स अर्थ पर आए और माइक्रोकॉस्मोस की शुरुआत की। लेकिन मीटियोराइट पर हाल ही में हुई स्टडीज से पता चलता है कि भले ही जीवित माइक्रोब्स सफर में नहीं बच पाए, उन्हें बनाने वाले बिल्डिंग ब्लॉक्स जरूर बच गए। नवंबर 2019 में एक इंटरनेशनल रिसर्च टीम को अर्थ पर क्रैश हुए मीटियोराइट्स में एक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल मिला, जिसका नाम है राइबोस। राइबोस एक शुगर है, एक सिंपल शुगर है, पर वो एक ऐसी क्रूशियल शुगर है जो अर्थ पर हर तरह की लाइफ के लिए जरूरी है। राइबोस एक शुगर है जो हमारा आरएनए बनाती है। आरएनए हमारे शरीर के सेल के हर हिस्से में मौजूद होता है। आरएनए जेनेटिक मटेरियल का एक सिंपल फॉर्म है जो सेलुलर फंक्शन को कंट्रोल करता है। ये कई प्राचीन प्राणियों में पाया जाता है। एक मेटेरॉइड पर राइबोस मिलना माइक्रोकॉस्मोस के ओरिजिन को समझने की कोशिश को बढ़ावा देगा, क्योंकि ये बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं लाइफ स्टार्ट करने के लिए। इन्हीं की जरूरत होती है। तो अगर हमने ये समझ लिया कि ये बिल्डिंग ब्लॉक्स कहाँ से आए, तो हम ये भी समझ पाएंगे कि माइक्रोकॉस्मोस आखिर कैसे शुरू हुआ और साथ ही इवॉल्व हुआ। रोजेटा मिशन में आउटर स्पेस में लाइफ का एक और बिल्डिंग ब्लॉक मिला, फास्फोरस का एक फॉर्म, जो था कॉमेट 67P पर। ये एक बड़ी खोज थी। कॉमेट 67P सोलर सिस्टम के जन्म के वक्त बना था, 4.67 अरब साल पहले, और उसके बाद से वो कभी नहीं बदला। वो एक टाइम कैप्सूल है जो सन और प्लैनेट्स के जन्म के समय बना। और तब से ये कॉमेट डीप फ्रीज में ही है। तो हमें कॉमेट 67P पर फास्फोरस के जो फॉर्म्स मिले, उनसे ये पता चला जब अर्थ बन रही थी तब क्या क्या मौजूद था और हमारे इस प्लैनेट पर लाइफ की शुरुआत कैसे हुई। अर्ली सोलर सिस्टम में लाइफ के लिए जरूरी कई केमिकल्स मौजूद थे। ये एक जरूरी खोज है, क्योंकि इससे पता चलता है कि सोलर सिस्टम बनते वक्त ये सभी कंपाउंड्स आसपास मौजूद थे, तो ये लाइफ के शुरू होने और इस्तेमाल करने के लिए पूरी तरह अवेलेबल थे और उनसे सर्कुलर स्ट्रक्चर बन पाया। इन खोजों से न सिर्फ ये पता चलता है कि जरूरी केमिकल्स अर्थ पर आए थे, बल्कि ये भी कि वो पूरे सोलर सिस्टम में मौजूद है। हम ऐसा सोचते हैं कि माइक्रोकॉस्मोस सिर्फ अर्थ पर ही एग्जिस्ट करता है, क्योंकि हमें लगता है सिर्फ अर्थ पर ही ये बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। पर अब इन नई खोजों से पता चला कि ये माइक्रोकॉस्मोस और साथ ही बिल्डिंग ब्लॉक्स अर्थ के अलावा पूरी सोलर सिस्टम में हो सकते हैं।
सोलर सिस्टम में मौजूद इन बिल्डिंग ब्लॉक्स का सबूत हमें 2017 में मिला था। ओमुआमुआ नाम का एक अनजान स्पेस रॉक सोलर सिस्टम में पाया गया था। ओमुआमुआ की अजीब बात यह है कि वो एक ऐसी ट्रेजेक्टरी पर है जो डेफिनेटली डीप स्पेस की है, इंटरस्टेलर स्पेस की, मतलब वो किसी दूसरे स्टार से यहां तक आया है। इससे भी अजीब है इसकी सरफेस, जिसका रंग लाल है। ये पता चलने के बाद कई सवाल उठने लगे, जैसे उसका कॉम्पोजिशन क्या है। ऐसा हो सकता है कि उसके अंदर ऑर्गेनिक मटेरियल हो जो स्पेस एनवायरनमेंट में एक्सपोज होने पर इसी तरह अपना कलर बदलता है। ऐसा हो सकता है कि ऑर्गेनिक मटेरियल्स इंटरस्टेलर स्पेस में ट्रेवल कर सकते हैं। ऐसा मुमकिन हो सकता है कि हमें ऑर्गेनिक मटेरियल्स मिले, यानी लाइफ के बिल्डिंग ब्लॉक्स जो सोलर सिस्टम से बाहर से आए हैं। हो सकता है गैलेक्सी में मॉलिक्यूलर ट्रांसपोर्ट सिस्टम हो। हमें अपने सोलर सिस्टम की बॉडीज से मटेरियल्स मिल सकते हैं और अपने सोलर सिस्टम के बाहर से भी, क्योंकि वो मूव होती रहती है। अमुआमुआ तो बस एक बॉडी है। हो सकता है कि हमारे सोलर सिस्टम में कई इंटरस्टेलर विजिटर्स आते रहते हैं। हो सकता है कॉमेट्स और एस्टेरॉइड्स वो केमिकल्स लाए हों जिनसे माइक्रोकॉस्मोस की शुरुआत हुई। अब एक नई रिसर्च से ये सामने आया है कि अर्थ से टकराने वाले स्पेस रॉक्स भी लाइफ शुरू कर सकते हैं। क्या ऐसी ही किसी टक्कर से जीवन की शुरुआत हुई? माइक्रोकॉस्मोस और पृथ्वी पर जीवन की शुरुआत कैसे हुई? क्या एस्टेरॉइड्स और कॉमेट्स यहां तक बिल्डिंग ब्लॉक्स लाए? फॉस्फोरस, राइबोस और बाकी ऑर्गेनिक कॉम्पाउंड्स, या उन्होंने अलग तरह से जीवन शुरू किया? नई रिसर्च से यह सामने आया है कि इन स्पेस रॉक से टक्कर होने पर अर्थ पर लाइफ की शुरुआत हुई। उनके इंपैक्ट के फोर्स से वो मॉलिक्यूल्स बनना शुरू हुए होंगे जो लाइफ के बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। टकराव से पैदा होने वाली एनर्जी मॉलिक्यूल्स की बनावट को बदलकर नए कॉम्पाउंड्स बना देती है। आप एटम्स और मॉलिक्यूल्स को अलग करके उन्हें रिकम्बाइन कर सकते हैं और बस एक इंपैक्ट से लाइफ स्टार्ट कर सकते हैं। लाखों सालों तक अर्थ के ओशियंस में कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मटेरियल्स भरते जा रहे थे। फिर करीब 3.5 अरब साल पहले लाइफ को स्टार्ट करने का प्रोसेस शुरू हुआ। अर्थ पर लाइफ का शुरू होना असल में एक प्रोसेस था। उसकी शुरुआत बड़े मॉलिक्यूल से हुई जो शायद गलती से अपनी खुद की कॉपीज बनाने लगे। उनसे पहले जेनेटिक मटेरियल बना। उनमें से कुछ बड़े मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़कर पहले प्रोटोसेल्स बन गए। एक प्रोटोसेल अर्थ पर लाइफ के पहले स्टेज को रिप्रेजेंट करता है, जिसके बाद एवोल्यूशन हुआ। प्रोटोसेल्स में मॉडर्न सेल्स की फुल केमिकल मशीनरी नहीं होती। वो एक सिंपल सेल मेम्ब्रेन होते हैं जिनके अंदर आरएनए जैसा जेनेटिक मटेरियल होता है जो राइबोस और फास्फोरस से बनता है। उसकी मेम्ब्रेन एक बैरियर जैसी होती है। वो ये कंट्रोल कर सकती है कि सेल में कौन से केमिकल्स आएंगे और कौन से बाहर जाएंगे, और इससे सेल के अंदर का जेनेटिक कोड भी सुरक्षित रहता है। जब ऐसा हो गया, उसके बाद एवोल्यूशन स्टार्ट हो गया। ये सिंपल सेल्स बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होते गए और फिर एक दिन धरती पर जीवन फलने फूलने लगा, असल में सेलुलर लाइफ। बैक्टीरिया के मुकाबले वायरसेस सेल्स नहीं होते। ये बहस का मुद्दा है कि वो जिंदा भी हैं या नहीं। तो आखिर वायरसेस का जीवन की शुरुआत में क्या योगदान था? वायरसेस को हमारे एवोल्यूशन का जरूरी हिस्सा नहीं माना जाता है, पर अब हम समझ रहे हैं कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ऐसा हो सकता है कि वायरसेस खुद लाइफ के एवोल्यूशन का एक जरूरी हिस्सा थे। ये कैसे पता चले कि वायरस की मदद से अर्थ पर लाइफ डेवलप हुई थी? वो अपने अतीत के कुछ सुराग भी नहीं छोड़ते। वायरसेस की एवोल्यूशनरी हिस्ट्री को समझना मुश्किल है क्योंकि उनका कोई फॉसिल रिकॉर्ड नहीं है। ऐसी कोई जियोलॉजी जिसे जमीन से निकाल कर हम ये कह सके कि यहीं से वायरसेस की शुरुआत हुई थी। हम नहीं जानते कि वायरसेस लाइफ के एवोल्यूशन में कब एंटर हो गए। क्या वो शुरुआत में आए या कुछ समय बाद?
एक थ्योरी तो ये भी है कि लाइफ की शुरुआत असल में वायरस से ही हुई थी। अगर लाइफ की असली शुरुआत के बारे में सोचें तो वो किसी सिंपल चीज से शुरू हुई होगी, जैसे कि कोई मॉलिक्यूल जिसने रेप्लिकेट होना शुरू किया होगा। एक वायरस अच्छा एग्जाम्पल हो सकता है उस प्रोसेस का जिसमें केमिकल से लाइफ की शुरुआत हुई। इस केस में 3.5 अरब साल पुराने ओशंस में तैर रहे केमिकल से प्रोटीन शेल बना और उसके आसपास कुछ सिंपल जेनेटिक मटेरियल। पर क्या वायरसेस बाकी सब चीजों से पहले इवॉल्व हो गए? वायरस के पहले आने की थ्योरी की कमी ये है कि उसे रेप्लिकेट होने के लिए किसी होस्ट सेल की जरूरत होती है, तो बिना किसी होस्ट के वो रेप्लिकेट कैसे हो गया? और यही सवाल हमें अपने आप से पूछना चाहिए जब हम यहाँ वायरस के पहले आने के बारे में सोचते हैं। मॉडर्न वायरसेस बिना एक होस्ट के रेप्लिकेट नहीं कर पाते, शायद प्राचीन वायरस भी ऐसे ही होंगे। पर के अर्ली सेल्स और वायरसेस इस तरह मिले होंगे कि उससे उन दोनों का फायदा हो। कुछ नई थियोरीज के मुताबिक वायरसेस और सेल्यूलर लाइफ एक साथ इवॉल्व हुए, उन्होंने एक दूसरे की मदद भी की और शायद इंसानों के एवोल्यूशन को भी आगे बढ़ाया। लेकिन ये को एवोल्यूशन काम कैसे करता है? हम जानते हैं कि मॉडर्न वायरस अपना जेनेटिक मटीरियल सेल्स में इंजेक्ट करके उन्हें बदल देते हैं। शायद अर्ली वायरसेस ने पहले सेल्स के जीन्स को भी इसी तरह से बदला होगा। वायरस की सेल पर अटैक से उन दोनों के जो जीन्स आरएनए होंगे वो एक दूसरे के साथ स्वॉप हो गए होंगे। ये बिल्कुल ऐसा रहा होगा, एक को किसी चीज की जरूरत नहीं रही तो उसने दूसरे सेल को उसे पास कर दिया। तो इस तरह से ऑर्गेनिजम्स का एक दूसरे के साथ मटेरियल एक्सचेंज हर एक के लिए फायदेमंद ही साबित होता है। वायरस होस्ट के जेनेटिक मटेरियल के कुछ हिस्सों को हटाकर वहां अपना मटेरियल लगा देता है। जब वायरस दूसरे सेल पर अटैक करता है तब वो इन मिक्स जीन्स को उस होस्ट में ट्रांसफर कर सकता है। इस तरह से वायरसेस इस प्रोसेस को आगे बढ़ाते हैं। वो कई अलग ऑर्गेनिजम्स के बीच जीन्स ट्रांसफर करते हैं और इसी प्रोसेस की वजह से एवोल्यूशन आगे बढ़ता है। हो सकता है कि उन सभी अटैक से कोई फायदा नहीं हुआ या होस्ट सेल की मौत हो गई, पर अगर लाखों में एक इंजेक्शन भी कामयाब रहा और उससे जीन्स में बदलाव हुआ तो वो बच गया होगा और उसने फिर और रिप्रोड्यूस किया होगा। शायद ये वायरली एनहांस्ड सेल्स प्राचीन महासागर में बढ़ते रहे और वक्त के साथ धीरे धीरे कई कॉम्प्लेक्स प्राणी बनते गए और आखिरकार उससे इंसान बने। ये सोचकर ही अजीब लगता है कि हम इंसानों की शुरुआत किसी वायरस से हुई थी। मुझे यकीन है कि मेरा ज्यादातर जेनेटिक कोड ओरिजिनली किसी वायरस के इंजेक्शन से आया होगा। मुझे ये सोचकर बहुत अच्छा लगता है कि मैं एक वायरस के डिसेंडेंट हूँ। बस कि सिंपल केमिकल से शुरू होकर एक कॉम्प्लेक्स शरीर बनना कुदरत की बहुत बड़ी कामयाबी होती है। वायरसेस का इंसानों के एवोल्यूशन में अहम योगदान था। करीब 8% इंसानी डीएनए प्राचीन वायरल इन्फेक्शन की बदौलत है। असल में उनके बिना हम इंसान ही नहीं होते। हमारे दिमाग में एक बहुत प्राचीन वायरल डीएनए है, वो डीएनए जो एक वायरस से आया, वो हमारी मदद करता है। उसके बिना शायद हम बिल्कुल जानवरों की तरह होते। हमारा ये भी मानना है कि वायरल डीएनए ने इन्फेक्शन से लड़ने के लिए इम्यून सिस्टम बनाने में हमारी मदद की और हमें स्टार्च को डाइजेस्ट करने की क्षमता दी। प्लैनेट अर्थ 2.5 अरब साल पहले। माइक्रोकॉस्मोस अर्थ के ओशंस में तेजी से बढ़ रहा है। ये वो दुनिया नहीं है जिसे आज हम जानते हैं। अगर आप वक्त में पीछे जाकर अर्थ को देखें कि वो 2.5 खरब साल पहले कैसी दिखती थी तो आप उसे पहचान नहीं पाएंगे। तब ओशंस थे और उन ओशंस में लाइफ भी थी, पर तब ना तो पेड़ पौधे थे और ना ही जानवर थे, तब सिर्फ चट्टाने थी। तो अगर कोई इंसान किसी तरह वक्त में पीछे चला जाता है और अर्ली अर्थ को देखता है तो वो उस पर बिल्कुल भी नहीं रह पाएगा। कोई इंसान सर्वाइव ही नहीं कर पाएगा क्योंकि उस वक्त एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन मौजूद नहीं थी, तो उम्मीद है वो स्पेस सूट पहने। पर वो एटमॉस्फेयर अर्ली माइक्रोकॉस्मोस के अरबों निवासियों के लिए बिल्कुल सही था। वो बहुत धीमे थे और हवा में ऑक्सीजन की कमी होते हुए भी अपना जीवन जी रहे थे। लेकिन उनकी ये शांति जल्दी भंग होने वाली थी।
काफी लंबे समय तक अर्थ पर हालात बिल्कुल स्टेबल रहे, पर फिर करीब 2.5 अरब साल पहले एवोल्यूशन में हुई एक गड़बड़ी से सब कुछ बदल गया। उस गड़बड़ी का सबूत इन अजीब पत्थरों में मौजूद है जो हैं स्ट्रोमेटोलाइट्स। स्ट्रोमेटोलाइट्स माइक्रोबियल सिटीज की तरह होती हैं। अगर आप उन्हें जूम करके देखेंगे तो आपको बैक्टीरिया की कई लेयर्स एक के ऊपर एक मिलेंगी, जैसे हम अपनी बड़ी सिटीज में स्काई स्क्रेपर्स बनाते हैं। ये माइक्रोकॉस्मिक बिल्डिंग्स सायानो बैक्टीरिया से भरी हुई हैं। ये बैक्टीरिया फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं। फोटोसिंथेसिस एक केमिकल रिएक्शन है जिसकी मदद से पेड़ पौधे अपना फूड बनाते हैं। आज ये हमारे प्लैनेट के एग्जिस्टेंस का एक जरूरी हिस्सा है। 2.5 अरब साल पहले यह बहुत क्रांतिकारी था। यह तब हुआ जब स्ट्रोमेटोलाइट्स में मिलने वाले प्राचीन सायानो बैक्टीरिया ने म्यूटेट किया। इस म्यूटेशन की मदद से सायानो बैक्टीरिया सनलाइट से एनर्जी लेकर पानी और कार्बोहाइड्रेट से शुगर्स बनाने लगे। इससे सायानो बैक्टीरिया को एवोल्यूशन में बहुत बड़ी बढ़त मिल गई। अब वो अपनी एनर्जी खुद बना सकते थे। अब वो तेजी से बढ़ते और रिप्रोड्यूस कर सकते थे। बाकियों के लिए ये एक मुसीबत थी। वो वेस्ट प्रोडक्ट के तौर पर ऑक्सीजन बनाते। ऑक्सीजन उनके काम की थी नहीं तो उन्होंने उसे हवा में रिलीज कर दिया और लाखों सालों तक वो अर्थ के एटमॉस्फेयर को बदलते रहे थे। ऑक्सीजन नाम का ये बाय प्रोडक्ट बहुत खतरनाक है। ऑक्सीजन को खतरनाक इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो बहुत रिएक्टिव है। वो हर किसी के साथ कंबाइन हो जाती है। आपको रस्टिंग के बारे में पता है। आयन पर जंग लगती है क्योंकि ऑक्सीजन उसके मॉलिक्यूल से कंबाइन हो जाती है। इसे ऑक्सीडेशन कहते हैं। तो जब पहली बार ऑक्सीजन रिलीज हुई तो वो बहुत खतरनाक थी। एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन गैस के बढ़ जाने से पूरे प्लैनेट पर माइक्रोब्स की प्रजातियां दम तोड़ने लगी। जब वो हुआ होगा तो उनका मास एक्सटेंशन हो गया होगा। वो एक ग्लोबल मास एक्सटेंशन इवेंट रहा होगा। वो अर्थ की हिस्ट्री में तब तक हुआ सबसे खतरनाक एनवायरमेंटल डिजास्टर रहा होगा। मुझे नहीं लगता आज तक उसके जैसा कोई डिजास्टर हुआ है। वो शायद हमारे प्लैनेट की हिस्ट्री की सबसे बड़ी घटना रही होगी। वो एक बड़ा ऑक्सीडेशन इवेंट था और उसने हमारे एटमॉस्फेयर को बदल दिया, प्लैनेट को बदल दिया और ऑक्सीजन यहीं पर बनी थी। और फिर बदलाव होने लगा। एक और म्यूटेशन के बाद कुछ बैक्टीरिया उस ऑक्सीजन का इस्तेमाल अपने मेटाबॉलिज्म में करने लगे और ये एक बहुत बड़ा बदलाव था। ऑक्सीजन को इस्तेमाल कर पाना एवोल्यूशन का एक बहुत बड़ा कदम था। ऑक्सीजन की खास बात यह है कि वो मेटाबॉलिज्म को और तेजी से न्यूट्रिएंट्स प्रोसेस करने देती है, जिससे बॉडीज उन मटेरियल्स को बर्न कर पाती हैं और पहले से ही कहीं तेजी से एनर्जी जनरेट करती हैं। ये ऑर्गेनिजम्स रेस्पिरेशन के लिए ऑक्सीजन का इस्तेमाल करने लगे और उन्हें कई गुना एनर्जी मिलने लगी और वो बाकी ऑर्गेनिज्म से कई ज्यादा इवॉल्व हुए। अब ऑर्गेनिजम्स को इतनी एनर्जी मिल गई जिससे वो ज्यादा कॉम्प्लेक्स, बड़े और मल्टी सेलुलर बन गए। मेटाबॉलिज्म में ऑक्सीजन को इस्तेमाल कर पाना अर्थ पर लाइफ के लिए एक बहुत बड़ा कदम था। सच कहूँ तो अगर सायानो बैक्टीरिया नहीं होता तो हमारा इस हद तक इवॉल्व हो पाना बिल्कुल मुमकिन नहीं होता। सिंपल ऑर्गेनिजम्स ज्यादा कॉम्प्लेक्स बन गए, सिंगल सेल्ड क्रिएचर्स मल्टी सेलुलर बन गए। एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन का इकट्ठा होकर एटमॉस्फेयर बनना मल्टी सेलुलर एनिमल और लाइफ के एवोल्यूशन के लिए बहुत मददगार साबित हुआ और वो अर्थ के सबसे जरूरी इवेंट्स में से एक था। उससे अर्थ का एटमॉस्फेयर और उसकी जियोलॉजी पूरी तरह से बदल गई होगी और यहीं से ग्रीन अर्थ की शुरुआत हुई होगी। ग्रेट ऑक्सीडेशन इवेंट ने हमारे एवोल्यूशन को हमेशा के लिए बदल दिया, जिससे एक कॉम्प्लेक्स दुनिया बनी। अब करीब 2 अरब साल बाद माइक्रोकॉस्मोस हमें जीवित रखता है। क्या आपने कभी सोचा है कि हवा में जो ऑक्सीजन है वो आखिर आती कहां से है? हम ये सोचते हैं कि वो जरूर प्लांट से आती होगी और अक्सर इस सवाल का जवाब होता है रेन फॉरेस्ट, लेकिन ये जवाब अधूरा है। असल में हमारे एटमॉस्फेयर की ज्यादातर ऑक्सीजन रेन फॉरेस्ट से नहीं बल्कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म से आती है। 2020 में
अर्थ की सैटेलाइट इमेजेस में ओशियंस में घूमते हुए पैटर्न्स नजर आए। ये वो माइक्रोस्कोपिक क्रीचर्स हैं जिन्हें फाइटोप्लैंक्टन कहा जाता है। फाइटोप्लैंक्टन जो फोटोसिंथेसिस करते हैं बहुत जरूरी हैं, क्योंकि वो इकट्ठे ही अर्थ के सभी रेन फॉरेस्ट के मुकाबले ज्यादा ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं। रेन फॉरेस्ट से अर्थ की 30% ऑक्सीजन जनरेट होती है, जबकि फाइटोप्लैंक्टन अर्थ की 50% ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं। आज भी जब आप सांस लेते हैं तो वो माइक्रोकॉस्मोस के प्रोडक्ट्स होते हैं। माइक्रोकॉस्मोस की जरूरत के बारे में जितना भी कहा जाए उतना कम है। मैं आपसे बात कर रही हूँ और साथ में सांस भी ले रही हूँ, ये मुमकिन नहीं हो पाता प्लैनेट के सबसे छोटे ऑर्गेनिज्म्स के बिना। माइक्रोकॉस्मोस ने हमें जीवन दिया है, पर वो इसे हमसे छीन भी सकता है। ग्लोबल वार्मिंग से कई जानलेवा बैक्टीरिया और वायरस पनप रहे हैं। क्या हम एक माइक्रोकॉस्मिक ज़ॉम्बी एपोकैलिप्स का सामना करने वाले हैं? साइबेरिया में इस वक्त बढ़ते तापमान की वजह से आर्कटिक परमाफ्रॉस्ट पिघल रहा है, जिससे हजारों सालों तक बर्फ में छिपी जमीन अब उभरने लगी है। जैसे जैसे पोलर फ्रॉस्ट क्लाइमेट चेंज के साथ पिघल रहा है, वो पैथोजेंस भी रिलीज कर सकता है जो पिछले हजारों सालों से उस बर्फ के अंदर कैद थे। 2014 में रिसर्चर्स ने यूएसए से भी बड़े साइबेरिया के इस बर्फीले इलाके को स्टडी किया। मैंने कई साइंस फिक्शन मूवीज देखी हैं जिनमें साइंटिस्ट बर्फ में खुदाई कर रहे होते हैं और उन्हें कुछ बहुत पुराना और खतरनाक मिल जाता है। साइंटिस्ट्स उस इलाके की जमीन के सैंपल्स को लैब में ले गए और उसकी जांच की। जांच में उन्हें एक फ्रोजन एंशिएंट वायरस मिला। एक वायरस जो पिछले 30,000 सालों से बर्फ के अंदर कैद था। ये बिल्कुल किसी हॉरर मूवी की तरह है जिसमें किसी साइंटिस्ट को कुदरत का कोई भयानक राज पता चल जाता है, वो उसे निकाल देता है और फिर पूरी दुनिया खतरे में पड़ जाती है। बिल्कुल किसी हॉरर मूवी की तरह उस टीम ने वायरस को एक सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म यानी अमीबा को फीड किया, ये देखने के लिए कि हजारों साल तक जमे रहने के बाद भी ये काम करता है या नहीं। वायरस जाग गया, उसने अमीबा पर हमला किया और रेप्लिकेट होने लगा। उस एंशिएंट वायरस को फिर से जिंदा करना मुर्दों को जगाने जैसा था। साइंटिस्ट्स को कोई आइडिया नहीं था कि ये ज़ॉम्बी वायरस क्या कर सकता है। वो वायरस बाकी वायरसेस से बहुत ज्यादा अलग है। वो नॉर्मल वायरसेस के मुकाबले बहुत बड़ा था। शायद इतना बड़ा वायरस पहले कभी नहीं देखा गया था, कभी भी नहीं। ये बाकी वायरसेस के मुकाबले बहुत बड़ा जायंट है। ये इतना बड़ा है कि ये वायरस नहीं बल्कि बैक्टीरिया जैसा दिखता है। इन जायंट वायरसेस को हम बुलाते हैं मीमी वायरस के नाम से, क्योंकि ये बाकी क्रीचर्स को मिमिक करते हैं जैसे कि बैक्टीरिया। ये वायरस बैक्टीरिया की नकल अपने जेनेटिक मटेरियल के अमाउंट की वजह से करते हैं। इसमें 900 जीन्स हैं, जो एक रेगुलर वायरस के मुकाबले 8 गुना है। वायरसेस बहुत सिंपल होते हैं, उन्हें फंक्शन करने के लिए ज्यादा जीन्स की जरूरत नहीं होती, पर इस वायरस के अंदर जरूरत से ज्यादा जीन्स मौजूद हैं। वो इतने सारे एक्स्ट्रा जीन्स के साथ कर क्या रहा है? हमें अब दूसरे मिमी वायरसेस भी मिल गए हैं। 20 साल पहले हमने सोचा भी नहीं था कि इतना कॉम्प्लेक्स वायरस हो सकता है। हमें अब भी नहीं पता कि इसके एक्स्ट्रा जीन्स क्या करते हैं। इस तरह का वायरस अपनी एनर्जी खुद जनरेट कर सकता है, जो इसे वायरस से ज्यादा एक बैक्टीरिया बनाता है। अब क्योंकि इसमें इतने सारे जीन्स मौजूद हैं, इसलिए ये वायरस वायरस की तरह बिहेव करता ही नहीं है। हम नहीं जानते कि साइबेरियन मिमी वायरस को अगर रिलीज किया गया तो वो किस तरह बिहेव करेगा, और भले ही वो सिर्फ अमीबा पर अटैक करता है, हो सकता है बर्फ में और भी कुछ बड़े कॉम्प्लेक्स वायरसेस दबे हुए हों, वो खतरनाक हो सकते हैं। हम जानते हैं कि अर्थ पर ऐसे कई बड़े रीजन्स हैं जो अभी भी बर्फ से ढके हुए हैं, और ऐसा हो सकता है कि गर्मी ज्यादा बढ़ने से जब बर्फ पिघले तो ये वायरसेस एक बार फिर से एक्टिवेट हो जाएं, और ये वायरस मानव जाति के लिए खतरा बन सकते हैं। हाल ही में
बहुत ही खतरनाक फ्रोजन ज़ॉम्बीज को भी दोबारा जिंदा किया गया है। हम ये सोचते हैं कि जिन लोगों की डेथ हो चुकी हो वो अब हमें अफेक्ट नहीं करेंगे, वो चले गए, उनके जर्म्स भी जा चुके, पर असल में ये बिल्कुल सच नहीं है। तो जिन लोगों को बर्फ में दफनाया गया था वो वहीं पर जम गए और इस दुनिया से कहीं नहीं गए। और अब जब क्लाइमेट चेंज से टेम्परेचर बढ़ रहा है, इन बर्फीले इलाकों से फ्रोजन लोगों की और जानवरों की डेड बॉडीज निकल रही है जो हजारों साल पहले वहाँ जम गई थी। पर हमें खतरा मुर्दा लोगों और जानवरों से नहीं है बल्कि उनके अंदर मौजूद माइक्रोब से है। 2016 में यह खतरा सामने आया जब साइबेरिया का एक और बर्फीला इलाका पिघला। 12 साल के एक लड़के की मौत हुई और दर्जनों लोगों को इलाज की जरूरत पड़ी। 2000 रेंडियर्स भी खत्म हो गए। उन्हें मारा था एंथ्रेक्स नाम के एक रीएनिमेटेड बैक्टीरिया ने जो एक रेंडियर की लाश में था। एंथ्रेक्स एक कॉमन माइक्रोब है जो मिट्टी में पाया जाता है। मिडिवल एज में कभी कभी फार्मर्स को अपने खेतों में कई जानवरों की लाशें मिलती थी और तब वो इस बात को समझ नहीं पाते थे कि ऐसा क्यों हो रहा है और वो ये मान लेते थे कि खेत शापित हैं। पर अब हम जानते हैं कि ये जो भी हुआ था उसकी वजह एंथ्रेक्स था। उस डिफ्रॉस्टेड रेनडियर की मौत करीब 100 साल पहले हुई थी। जिस एंथ्रेक्स ने उसे मारा था वो उसी के साथ बर्फ में कैद था। साइबेरियन परमाफ्रॉस्ट जैसे इलाकों में बर्फ पिघलने के साथ साथ ऐसी महामारियां भी आ सकती हैं जिन्हें हम चाह के भी रोक नहीं सकते। एक बार बर्फ पिघली तो पता नहीं क्या निकलेगा। उससे एंशियंट प्रिजर्व्ड माइक्रोब्स, बैक्टीरिया या वायरसेस निकल सकते हैं जो सैकड़ों या हजारों सालों से यूं ही उसके अंदर दबे हुए हों। अगर वो माइक्रोब्स आज दुनिया में मौजूद माइक्रोब से अलग हुए और हमारा उन माइक्रोब से सामना हुआ तो पता नहीं कि हमारा इम्यून सिस्टम कैसे रिएक्ट करेगा। या तो हमें कुछ भी नहीं होगा या फिर हम एक और पैंडेमिक में फंस जाएंगे। ये भी पता नहीं है कि मॉडर्न दवाएं किसी एंशियंट माइक्रोब को हराने में मदद कर भी पाएंगी। अब इंसानियत अर्थ से दूर नई दुनिया में कदम बढ़ाने की ओर है। तब क्या हमें अपना माइक्रोकॉस्मोस अपने साथ ले जाना चाहिए या हम पहले ही अपना कॉस्मिक नेबरहुड इन्फेक्ट कर चुके हैं? स्पेस अब भविष्य का आखिरी पड़ाव नहीं रहा। हम अब सोलर सिस्टम को एक्सप्लोर कर रहे हैं। हम प्लैनेट्स पर प्रोब्स भेज चुके हैं और चांद पर कदम रख चुके हैं। अब नासा 2030 में एस्ट्रोनॉट्स को मार्स पर भेजना चाहती है। एक साइंस फिक्शन फैन के तौर पे मैं बिना सांस लिए ऐसी 10 फिल्में गिना सकता हूँ जिनमें लोग दूसरे प्लैनेट पर जाते हैं और कोई बीमारी या किसी एलियन से उनका पाला पड़ता है और सब एक एक करके मर जाते हैं। पर हो सकता है कि इसका उल्टा हो। अगर हम दूसरे प्लैनेट्स पर जाना चाहते हैं तो हमें ये अच्छी तरह सोचना होगा कि हम उन्हें किस तरह अफेक्ट करने वाले हैं। हम जितने ज्यादा स्पेस मिशंस पूरे कर रहे हैं उतना ही हम अर्थ के माइक्रोकॉस्मोस को उनके साथ भेजने और सोलर सिस्टम की हेल्थ को बिगाड़ने का खतरा बढ़ा रहे हैं। अगर हमें एक ऐसा प्लैनेट मिल गया जिसका अपना बायोस्फीयर है, जिसकी अपनी लाइफ है, तब हमें इस बात का ध्यान रखना होगा कि हम अपने माइक्रोब्स को उनके माइक्रोब से कैसे मिलाते हैं, क्योंकि वहां सब खत्म भी हो सकता है। ये सीरियस है क्योंकि अब हमारी नजर मार्स, टाइटन यानी सैटर्न के मून और कॉमेट्स पर है जहां प्रीबायोटिक लाइफ एग्जिस्ट करती होगी, या हो सकता है अतीत में उनका एक रहने लायक एनवायरनमेंट हो। तो ये मुमकिन है कि हम वहां जाकर अपने बैक्टीरिया से उन्हें पल्यूट कर रहे हैं या उन्हें अफेक्ट कर रहे हैं। अगर हमने एक नई दुनिया को कंटेमिनेट कर दिया तो हम ये नहीं जान पाएंगे कि कौन से माइक्रोब्स वहां पहले आए। हमारे माइक्रोब्स उन्हें खत्म कर सकते हैं। शायद ऐसा हो भी चुका हो। सब बिल्कुल ठीक है। अपोलो 12 मिशन में लूनर रोबोटिक प्रोब सर्वेयर 3 के उन टुकड़ों को वापस लाया गया जो चांद पर थे। प्रोब की जांच के बाद उसमें बैक्टीरियल कंटामिनेशन का पता चला। हम नहीं जानते वो कहां से आया। अगर वो मून पर भेजे जाने से पहले इन्फेक्टेड होता और उसके सरफेस पर 2 साल तक रहा वैक्यूम में, बदलते तापमान में, स्पेस के रेडिएशन में,
इससे साफ पता चलता है कि हमसे भी बाकी प्लैनेट्स इन्फेक्ट हो सकते हैं और हमें इसे बहुत सीरियसली लेना चाहिए। हम अपने स्पेस मिशंस को बढ़ा रहे हैं, हम एक के बाद एक पूरे सोलर सिस्टम के प्लैनेट्स पर प्रोब्स भेज रहे हैं, पर अपने प्लैनेट की कोई बीमारी हम दूसरे प्लैनेट्स पर ना भेज दें, हमें इस बात का ख्याल रखना होगा। नासा इसका ध्यान रखता है। किसी नए प्रोब को लॉन्च करने से पहले एक प्लैनेटरी प्रोटेक्शन टीम उसकी डीप क्लीनिंग करती है। स्पेसक्राफ्ट को हाई टेम्परेचर पर डिसइंफेक्ट करते हैं। हर चीज को एक क्लीन रूम में बनाया और रखा जाता है जिसमें प्रेशर मेंटेन रहता है जो डस्ट को बाहर निकाल देता है। वहाँ हर कोई बनी सूट पहनता है और डायरेक्टली कुछ नहीं छूता, लेकिन वो भी काफी नहीं है क्योंकि माइक्रोब्स फिर भी सर्वाइव कर सकते हैं। इन माइक्रोकॉस्मिक घुसपैठियों को खत्म कर पाना और भी मुश्किल हो जाता है जब वो किसी एस्ट्रोनॉट के शरीर में होते हैं। आने वाले समय में हम रोबोट एक्सप्लोरर्स या प्रोब्स नहीं बल्कि लोगों को मार्स पर भेजने वाले हैं। एक बहुत ही गंदा बीमारियों से भरपूर ऑर्गेनिज्म, जैसे कि मैं अपनी बात भी करूं, इंसान को स्टेरिलाइज नहीं कर सकते और न ही उसके बैक्टीरिया निकाल सकते हैं। हमें ये समझना होगा कि हम अपना माइक्रोकॉस्मोस साथ ले जा रहे हैं और हम बिना ध्यान दिए पूरी तरह से प्लैनेट्स को बदल सकते हैं। जिन प्लैनेट्स पर लाइफ है या हो सकती है, वहाँ हमारे जाने से उन पर बहुत ही बुरा असर पड़ सकता है। इसीलिए हमें इस जिम्मेदारी को सीरियसली लेना होगा और उन्हें सावधानी से एक्सप्लोर करना होगा। कॉस्मोस की सुरक्षा की जिम्मेदारी अब इंसानों के कंधों पर आ गई है, पर हमारा खुद का ट्रैक रिकॉर्ड बहुत अच्छा नहीं है। अगर हम इंसानों के बसने और एक्सप्लोरेशन की बात करें तो हम इंसान घुसपैठ ज्यादा करते हैं। हम रास्ते में कई चीजों को मिटा देते हैं, इसीलिए ये सोचना जरूरी है कि अगर हम दूसरे प्लैनेट्स पर जाएंगे तो तब भी क्या हम वही करेंगे। वायरसेस की तरह हम इंसान भी फैलते हैं। हमारी अपनी दुनिया अब काफी नहीं है, इसीलिए सोलर सिस्टम में जा रहे हैं। इसके चांसेस बहुत ज्यादा है कि हम जिस भी प्लैनेट पर जाएंगे उसे तबाह करेंगे। माइक्रोकॉस्मोस के साथ हमारा रिलेशनशिप कॉम्प्लिकेटेड है। उसने लाखों लोगों की जान ली है और उसके बिना आज हम यहाँ नहीं होते। अभी पैंडेमिक के दौरान हम माइक्रोकॉस्मोस के बारे में सोचने लगे हैं और हम जितना इन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को समझ पाएंगे, हम उतना ही लड़ पाएंगे। कोरोना वायरस की महामारी ने हमें याद दिलाया है कि हमें उस दुनिया की इज्जत करनी चाहिए जिसे हम देख नहीं सकते। हमें ये समझना चाहिए कि माइक्रोकॉस्मोस जितना हमारे लिए जरूरी है, उतना ही यूनिवर्स के लिए भी। ये बहुत इजी है, स्पेशली आजकल वायरस शब्द सुनना और ये समझना कि वो कितने खतरनाक है, जानलेवा है। पर आपको ये बात याद रखनी है कि आप और मैं भी वायरस से ही बने हैं। जहाँ तक हम जानते हैं, हम कभी भी माइक्रोकॉस्मोस के बिना नहीं रहे। माइक्रोब्स हमसे पहले भी यहाँ थे और हमारे बाद भी शायद यहीं रहेंगे। हमें जीने के लिए उनकी जरूरत है। माइक्रोकॉस्मोस बहुत जरूरी है। उसके बिना ना तो हम कुछ कर पाते, ना जी पाते, ना आज इस दुनिया में होते। वो हमारा सबसे अच्छा दोस्त भी है और सबसे बुरा दुश्मन भी है।